महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बीजेपी शिवसेना के बाद अब तीसरे सबसे बड़े दल एनसीपी को सरकार बनाने का न्योता दिया है। एनसीपी के आज रात 8:30 बजे तक का वक्त दिया गया है। वहीं शिवसेना ने सरकार बनाने के लिए वक्त नहीं मिलने का बहाना बनाया है। आदित्य ठाकरे ने यह कहकर सस्पेंस बढ़ा दिया था कि मुझे नहीं मालूम कि आगे क्या होना है, महाराष्ट्र में भी सरकार बनेगी या राष्ट्रपति शासन लगेगा। इधर आदित्य ने यह भी कहा कि सरकार बनाने का हमारा दावा अभी खत्म नहीं हुआ है। सूत्रों के मुताबिक अगर शिवसेना की सरकार बनती है तो बाला साहब ठाकरे की पुण्यतिथि पर 17 नवंबर को उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन को लेकर आगे की रणनीति तय करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज सुबह 10 बजे कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक बुलाई है और इस बैठक में महाराष्ट्र की राजनीति पर चर्चा होगी और आगे के लिए रणनीति भी तय की जाएगी। हम आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने सोमवार को भी महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक बुलाई थी, जिसमें सुशील शिंदे, अहमद पटेल समेत कई बड़े नेता शामिल हुए थे। हमने उनको कहा है कि हमारी जो अलायंस पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उनसे हम बातचीत करेंगे, चर्चा विचार विनिमय करेंगे और जो भी हमारा रिप्लाई है वो जल्द से जल्द उनको देंगे। कल शाम को जैसे ही भाजपा ने दावा था वो नकारा, वैसे ही हमें खत आया, गवर्नर साहब का खत आया, उसी में कहा गया था कि 24 घंटों में हमें विलिंगनेस टू क्लेम गवर्नमेंट ये बताना था। इन्हीं शब्दों के मुताबिक हमने आज आके हमारा जो विल है क्लेम करने का, जो विलिंगनेस है वो बताया है गवर्नर साहब को, लेकिन हमने यही कहा है कि जो हमारे साथी दल है उनकी जो प्रक्रिया होती है, जो सारे प्रोसीजर्स होते हैं, वो फॉर्म करने के लिए 2 दिनों की हमें मुदत चाहिए थी। वो 48 आवर्स उन्होंने रिजेक्ट किया, लेकिन हमारा क्लेम अभी तक लीगली और पेपर पे रिजेक्ट नहीं हुआ है। हमारा क्लेम जारी रहेगा और ये जो प्रोसीजर है होने के बाद हम वापस आएंगे। हम जल्दी इसीलिए आए हैं क्योंकि हमें 24 घंटे की मुदत दी थी। हमें महाराष्ट्र में स्थिर सरकार चाहिए जो सत्यवचनी है और झूठ बोलती नहीं है, तो वो सरकार बनाने के लिए हम यहाँ आए हैं।